मोहन भागवत कहता है जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए। मोहन भागवत कहता है कि ब्राह्मणों को अब शेड्यूल कास्ट के लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने इन लोगों को इतना प्रताड़ित किया। देखिए 10,000 लोग, तो जो योगी है, जो मोदी है, जो भारत के बाहर जाकर बुद्धा का गुणगान करते हैं, भारत में अभिधम्मा दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड के बुद्धिस्ट मॉन्क्स को बुलाते हैं, हम उनके सामने जाकर कहेंगे कि भारत में हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा देने पर अरेस्ट करवाते हैं। राजेंद्रपाल गौतम के ऊपर अगर कार्रवाई की मांग पर आप कर रहे हो तो नितिन गडकरी की कार्रवाई की भी मांग आपको करनी चाहिए। विश्व के सभी मेरे साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। 5 अक्टूबर 2022 को दिल्ली के अंबेडकर भवन में 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाया। और जैसे बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाने का तरीका सीधा और सरल बताया है, त्रिशण, पंचशील और 22 प्रतिज्ञा, तो उस कार्यक्रम में भी जिन जिन लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाने के लिए आवेदन फॉर्म भरे थे, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के लिए रिक्वेस्ट फॉर्म भरे थे, उन सभी को 22 प्रतिज्ञा वहां पर दी गई। 22 प्रतिज्ञा देने के बाद ऑब्वियसली लाइव चल रहे थे, वीडियो रिकॉर्ड हो रहे थे, सभी चैनल्स पे दिखाए, बहुजन चैनल्स पे दिखाए जा रहे थे। इससे व्यथित होकर तिवारी, मनीष तिवारी ब्राह्मणों ने इसमें कई सारे इसको भारत में मुद्दा बना दिया, क्योंकि वो कार्यक्रम करके मैं सीधा ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न आ गया, क्योंकि मेरे सारे 2-3 महीने के प्रोग्राम्स सारे के सारे डिजाइन है। तो मैं यहाँ आया, यहाँ आने के बाद पता चला कि वहां के ब्राह्मणों को हमारे बौद्ध धर्म दीक्षा लेने पर आक्षेप है। मैं आज ये वीडियो खास करके मेरे हिंदू भाइयों के लिए बता रहा हूं, हिंदू समाज के लोगों को बता रहा हूं। बुद्धिज्म एक कल्चर है, अगर उस बुद्धिज्म में आपको आना है तो आपके प्रीवियस फेथ, आपके पहले के जो आपकी जो आचरण है उसको छोड़कर आपको बौद्ध धर्म में आना पड़ता है। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये बात 22 प्रतिज्ञाओं की बात सिर्फ भारत में नहीं, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के मंच से बाबा साहब अंबेडकर ने यह बात कही है कि ओनली त्रिशरण एंड पंचशील इज नॉट इनफ। भारत में बौद्ध होने के लिए आपको सिर्फ त्रिशरण पंचशील का ही अवलंब करके आप बौद्ध नहीं बन सकते, क्योंकि पिछले 2000 सालों में बौद्ध धर्म में बहुत कुछ ऐसा घुस गया है जिससे बौद्ध धर्म उसके रियल फॉर्मेट में, रियल इसमें नहीं है। इसलिए उसको पहले हमको बाहर निकालना होगा। तो किसी भी इंसान को अगर बौद्ध बनना है तो उसके पहले के रीति रिवाज से उसको बाहर आना पड़ता है। इसलिए पहले की जो 3 प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, अब मुझे बताओ कोई भी हिंदू हो, कोई भी मुस्लिम हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई सिख हो, इसमें किस भगवान को गाली है? मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को नहीं मानता, नहीं मानने में क्या किसी की गाली वहां पर आ रही है? किसी भगवान का अपमान हो रहा है? अगर और ये प्रतिज्ञा हम किसको दे रहे हैं? क्या घर घर जाके हिंदुओं को बोल रहे हैं हम आप मत मानो? हिंदू फोल्ड में आप लोग भगवानों को मानते हो, आप लोग मानो, लेकिन हिंदू फोल्ड से जो लोग बाहर आना चाहते हैं और बुद्धिज्म में आना चाहते हैं, उनके लिए ये अनिवार्य है कि वो किसी भी भगवान को, क्योंकि बुद्धिज्म में भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं है। बुद्धिज्म में ना आत्मा है, ना पुनर्जन्म है, ना परमेश्वर है, ना ईश्वर है, कोई नहीं है। तो अगर आपको बौद्ध होना है तो आपको बाबा साहब ने दिए हुए साइंटिफिक तर्क के आधार पर जो 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब का रिसर्च है वो अपना कर ही, वो लेकर ही बौद्ध धर्म में आपको आना है। अब एक तरफ ये कहते हैं कि हिंदू विरोधी है, ये हमारी जो बौद्ध धर्म दीक्षा है ये हिंदू विरोधी है। अगर आपको हिंदुओं से इतना प्यार है, कई लोग कह रहे हैं कि हम आपके बौद्ध धर्म दीक्षा से व्यतीत हो गए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आपके इस तरह से 22 प्रतिज्ञा के ऊपर इस तरह से कीचड़ उछालने पर हम बौद्ध आपके ऊपर व्यतीत है। क्या हम अपना बौद्ध धर्म भारत में नहीं फैला सकते? जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमको 22 प्रतिज्ञा के साथ बौद्ध धर्म दिया है, कल 5 अक्टूबर 2022 को इनका कहना है कि किसी पार्टी का मंत्री वहां पर क्यों है? अब मुझे पता नहीं कि इन ब्राह्मणों की असली दिक्कत क्या है, हमारे 22 प्रतिज्ञाओं से है या कोई मंत्री उस मंच पर खड़ा होकर 22 प्रतिज्ञा ले रहा है उनसे है? अगर
उनकी तकलीफ एक मंत्री के उस कार्यक्रम में शामिल होने की है, तो मैं आपको वीडियो देता हूं 5 अक्टूबर 2022 को देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ही कह लो, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर बिठाया है वो तो कठपुतली है, असली चीफ मिनिस्टर तो देवेंद्र फडणवीस है। सेंटर के मिनिस्टर नितिन गडकरी, ये दोनों भी दीक्षा भूमि के स्टेज से बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञाओं का वो उल्लेख कर रहे हैं। तो अगर राजेंद्र पाल गौतम के ऊपर अगर कार्रवाई की मांग आप कर रहे हो, तो नितिन गडकरी की कार्रवाई की भी मांग आपको करनी चाहिए, देवेंद्र फडणवीस की भी कार्रवाई की मांग करनी चाहिए, और उसी के साथ देश का प्राइम मिनिस्टर जिसने कुछ ही दिन पहले अंबेडकर एंड मोदी नाम का बुक रिलीज किया है, उन्हें बाबा साहब अंबेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दी है, तो 22 प्रतिज्ञाओं के साथ बाबा साहब अंबेडकर और मोदी की तुलना आप कर रहे हो, तो नरेंद्र मोदी के भी रेजिग्नेशन की मांग आपको करनी चाहिए, क्योंकि वो बाबा साहब के विचारों को प्रचार और प्रसार करने का दावा करते हैं। विदाउट 22 वोस आप बाबा साहब अंबेडकर जी को कैसे एक्सेप्ट करते हो, कैसे एक्सेप्ट करने वाले हो हमें बताइए। तो इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन का अनिवार्य और एक अनडिविजिबल पार्ट 22 वोस है। बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन से आप 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं हटा सकते, मिटा सकते, और बाबा साहब ने यही क्राइटेरिया बौद्ध होने के लिए दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि जो एफआईआर आप राजेंद्र पाल गौतम जी के ऊपर करवा रहे हो, एक एफआईआर राजरत्न अंबेडकर के ऊपर करवाओ, और ये बताओ कि इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दे दी है और भारत में गुनाह किया है, तब जाकर हम आपको विश्व के स्तर पर पकड़ेंगे कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने पर आप हमारे ऊपर एफआईआर करवाते हो। तो जो योगी है, जो मोदी है, जो भारत के बाहर जाकर बुद्धा का गुणगान करते हैं, भारत में अभिधम्मा दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड के बुद्धिस्ट मॉन्क्स को बुलाते हैं, हम उनके सामने जाकर कहेंगे कि भारत में हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा देने पर अरेस्ट करवाते हैं। किस मुंह से आप भारत के बाहर जाओगे? अब इस 18 तारीख को वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में 128 देशों के बौद्धों के सामने मैं ये बात रखने जा रहा हूं कि आप लोग हमारे बौद्ध धर्म दीक्षा को होने नहीं दे रहे। सारे मीडिया का, मैं तो मोदी मीडिया का, गोदी मीडिया का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो 22 प्रतिज्ञा हम लोग दिल्ली के मैदान पर ले रहे थे, आपने उसको देश और विदेशों में दिखाया, इसलिए गोदी मीडिया का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और मैं शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहना चाहता हूं, हमारे इंदर मेघवाल को मारा जाता है पानी के घड़े को हाथ लगाने पर, हम लोग 1 लाख की संख्या में राजस्थान में पहुंचते हैं, हमारे मनीषा वाल्मीकि की रेप करके हत्या हो जाती है, उसके शव को रात के अंधेरे में जलाया जाता है, हम 1 लाख की संख्या में हाथरस में पहुंचते हैं। कब तक आप लाखों के संख्या में यहां पर जाकर अपने ऊपर होने वाले अत्याचार की प्रतिक्रिया देते रहोगे? प्रतिक्रिया देना बंद करो, प्रतिक्रिया देना बंद करो। 1 लाख संगठन, 1 लाख नंबर में आप लोग वहां पहुंच रहे हो, उसको क्रिया में बदलो। जो हिंदू धर्म आप लोगों को पानी के घड़े को हाथ लगाने पर मार डालता है, हमारे किसी बच्ची का सामूहिक बलात्कार करके उसका शव भी अपने माता पिता को नहीं देते, एक आईपीएस ऑफिसर गुजरात का अपने ही शादी में घोड़ी पर बैठने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन लेता है, ऐसे धर्म के लोग जब इनके ऊपर अत्याचार होता है तब व्यथित क्यों नहीं होते? मनीष तिवारी ने कोई एफआईआर इंदर मेघवाल के टीचर के ऊपर क्यों नहीं किया? मनीष तिवारी ने कोई एफआईआर मनीषा वाल्मीकि के हत्यारों के ऊपर क्यों नहीं किया? हमारे बौद्ध धर्म अपनाने से आपको तकलीफ है, लेकिन हिंदुओं के साथ जो हिंदू धर्म में होता है उससे आप व्यथित नहीं होते हो। और इसलिए मैं आज ये वीडियो बनाकर इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ 10,000 लोगों ने जब क्रिया की है, बौद्ध धर्म अपनाने की क्रिया की है, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को एक्सेप्ट करने की क्रिया की है, तब ब्राह्मण प्रतिक्रिया दे रहा है। यही कुछ सालों पहले हम कर रहे थे, वो क्रिया करते थे, हम प्रतिक्रिया कर रहे थे, वो एक्शन कर रहे थे, हम रिएक्शन दे रहे थे। अब हमको एक्शन मोड में आ जाना चाहिए, हमें एक्शन करनी चाहिए। 10,000 लोगों की दिल्ली देश के राजधानी में जब दीक्षा हुई, बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया, पूरे देश ने ये देखा, तब मोहन भागवत के सुर अभी बदले बदले दिखाई दे रहे हैं।
मोहन भागवत कहता है जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए। मोहन भागवत कहता है कि ब्राह्मणों को अब शेड्यूल कास्ट के लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने इन लोगों को इतना प्रताड़ित किया। देखिए 10,000 लोग इस देश में इकट्ठा हुए और उन्होंने क्रांति की, और उन्होंने जो धम्म दीक्षा ली उस वजह से इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का सर संचालक तुम्हारे सामने घुटने टेक रहा है, तुम्हारे सामने माथा टेक रहा है। और ये ताकत आप लोगों को पहचाननी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर जी के मूवमेंट को इन लोगों ने इतने सालों तक दबाए रखा, इसलिए हमें पता नहीं चला कि बाबा साहब कितनी बड़ी ताकत हमें जाते जाते देकर गए हैं। मैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लोगों को यही कहना चाहता हूं कि अगर अब भारत में अब सुरक्षित रह सकते हो तो बौद्ध धर्म के अलावा आपके पास पर्याय नहीं है, और वो बौद्ध धर्म जो 22 प्रतिज्ञाओं के साथ है। अब ये जो लोग कि इस तरह से बातें कह रहे हैं कि अभी ब्राह्मणों को इनसे माफी मांगनी चाहिए, ब्राह्मणों को अब जाति व्यवस्था खत्म करनी चाहिए, अब हमें समझ जाना चाहिए कि ये हमारे 22 प्रतिज्ञाओं से डरते हैं और बुद्ध के धम्म से डरते हैं। ये इनका पिन पॉइंट है, इसको अगर प्रेस करते हो तो ब्राह्मण मुंह खुलने को रेडी हो गया है और वो आपके सामने नतमस्तक होने को तैयार हो गया है। और इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं, जो काम 10,000 लोगों ने दिल्ली में किया है, ये काम लाखों की संख्या में देश के कोने कोने में होना चाहिए। और हर स्टेट में, मुझे लगता है आज ही के दिन, आज इंडिया में शायद अर्ली मॉर्निंग होगा, 5 या 6 बजे होंगे, या ऑस्ट्रेलिया में दोपहर के 11-12 बजे है, आज लखनऊ में भी बौद्ध धम्म का दीक्षा का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें ओबीसी बड़े पैमाने पर बौद्ध धम्म की दीक्षा ले रहा है, और बंते सुमित रतन जी के माध्यम से ये हो रहा है। उस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे और बौद्ध धम्म को अपनाए, और वो भी 22 प्रतिज्ञाओं के साथ अपनाए। और इस जो व्यवस्था, जाति व्यवस्था का इतने जो हम लोग अत्याचार सह रहे, इसे कहीं ना कहीं अब खत्म करना होगा, और ये खत्म सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म के माध्यम से हो सकता है। और इसलिए मैं आप लोगों को आज ये बताने आया हूं कि हमारे 10,000 लोगों ने अगर ये काम किया है, हम और इसका इफेक्ट जो है बढ़ाएंगे, और पूरे देश भर में, भारत में वापस आने के बाद फिर से बौद्ध धर्म के दीक्षा का कार्यक्रम हर एक स्टेट में हम लोग ऑर्गेनाइज करके इसका 2025 का एक 10 करोड़ लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपना कर, बौद्ध देशों के साथ मिलकर हम लोग अपनी व्यवस्था खुद बनाने का काम करेंगे। तो मैं आज यही कहने आया था कि मोहन भागवत जैसा आदमी आज उसके सुर बदले है, ये केवल 10,000 लोगों के उस क्रांति की वजह से है। 10,000 लोगों ने ये किया है, अब 10 लाख लोग और 10 करोड़ लोग धीरे धीरे यही काम को दोहराएंगे और अपनी खुद की व्यवस्था खड़ी करेंगे। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।